नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 18 करोड़ रुपए लगाकर परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, लेकिन उनके दौरे से पहले कांग्रेसी इसका विरोध करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि मोदी को काले झंडे दिखाएंगे कांग्रेसी, साथ ही युवा कांग्रेस कार्यकर्ता काला दिवस भी मनाएंगे। तो आज उत्तराखंड को बड़ी सौगात देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून जा रहे हैं, जहां वो 18,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जनता को बड़ी सौगात देंगे, लेकिन इसका विरोध कांग्रेसी कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ता आज एक बार फिर प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध करेंगे और साथ ही काले झंडे दिखाते हुए भी नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित भी करेंगे। जिस तरह से बीजेपी के कार्यकाल में जो भी उपलब्धियां पाई गई हैं, उसके बारे में भी जनता को बताते हुए नजर आएंगे। जब भी किसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो बीजेपी की उपलब्धियां तो जरूर गिनाते हैं, साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधते हैं। और बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो मुख्य विपक्षी दल है वो है कांग्रेस, तो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी नजर आएंगे। ऐसा देखा गया है कि जो अभी तक की राजनीति है उसमें एक बार किसी पार्टी की सत्ता रहती है तो दूसरी बार वो सत्ता पलट जाती है और विपक्षी दल सत्ता में आ जाती है, तो ये हमेशा देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया उत्तराखंड की राजनीति में, तो हर बार मुख्यमंत्री बदलते हैं। ऐसा देखा गया था कि हो सकता है बीजेपी इस चीज को बदल दे और एक मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करे, लेकिन बीजेपी द्वारा भी 2 से 3 मुख्यमंत्री बदले गए। और अब ये देखने को मिला है कि यहाँ पे जो चुनाव है उत्तराखंड के, वो भी काफी अहम है, क्योंकि कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से 2 मुख्यमंत्री बदले गए, इसको लेकर भी लगातार निशाना साधा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस काफी एक्टिव नजर आ रही है उत्तराखंड में और कांटे की टक्कर देते हुए भी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, बाकी विपक्षी दल भी, आम आदमी पार्टी भी इस बार बड़े दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून जा रहे हैं, जनता को संबोधित करेंगे, सौगातें देंगे, तो जनता के बीच विपक्षी दलों पर कटाक्ष तो जरूर ही करेंगे, निशाना साधते हुए नजर आ सकते हैं, और साथ ही साथ जनता को बड़ी सौगात देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जब उत्तराखंड की भूमि पर, यानी कि देहरादून में, राजधानी देहरादून में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे, तो एक बड़ा हुजूम उनको देखने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए वहां मौजूद रहेगा, और इसी बात का फायदा उठाएगी कांग्रेस। कांग्रेस प्रधानमंत्री के आगमन पर विरोध जता रही है, काले झंडे दिखाने का प्रोग्राम बनाया गया है कांग्रेसियों द्वारा, जो भी काम किए गए हैं सत्ता दल द्वारा उसको देखते हुए, उसे नाराजगी जो भी है विपक्ष को, जनता को, उसको जाहिर करने के लिए काले झंडे दिखाए जाएंगे कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा। हालांकि कई परियोजना की सौगात देने, लोकार्पण और शिलान्यास करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी लगातार दौरों पर रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं और उनकी परेशानियों को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। और वहीं उत्तराखंड में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आ रहे, इससे पहले भी कई बार आए हैं, तीर्थ स्थलों पर गए हैं, वहां से जनता को संबोधित भी किया है, दर्शन पूजन करने अक्सर जाते ही रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ, तो लगातार जाते तो रहते हैं। लेकिन अब जब राजनीतिक माहौल है, राजनीति हर तरफ देखने को मिल रही है, उत्तराखंड में भी 2022 में विधानसभा के चुनाव है, तो ऐसे में राजनीति और तेज हो गई है, क्योंकि सौगातें देने का दौर शुरू हो गया है, लगातार दौरों का दौर शुरू हो चुका है। उत्तराखंड जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यह भी देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई बार मुख्यमंत्री धामी भी अभी कुछ दिनों पहले आए थे, और अब प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, तो ये काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जनता के बीच मौजूदगी वो भी प्रधानमंत्री की काफी अहम है, और इससे काफी फायदा भी होता है बीजेपी को। अक्सर देखा गया है, हर चुनाव में देखा गया है कि बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं को बीजेपी जमीन पर उतारती है, चुनावी मैदान में उतारा जाता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे से लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं, जनता को संबोधित करेंगे, वो जगह पे भी काफी सख्ती बढ़ी हुई है, हर एक चीज पर निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है,
हजारों लोगों का हुजूम उमड़ेगा प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, और प्रधानमंत्री भी आज कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उत्तराखंड की राजनीति जिस तरह से देखने को मिली है कि एक पार्टी कभी उसका शासन दोहराता नहीं है, और इसी चीज को बदलने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जाएगी और दोबारा सत्ता में बने रहने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जो कांग्रेस है वो लगातार कोशिश कर रही है कि अब की कांग्रेस की वापसी हो, वहीं बाकी दल भी कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश को देखते हुए आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन है वो काफी अहम माना जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन जिस तरह की खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस काले झंडे दिखाएगी प्रधानमंत्री को, तो उससे पहले भी शासन प्रशासन अलर्ट हो गया है, क्योंकि ऐसी चीजें जब पता चलती हैं तो ये आशंका रहती है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उससे पहले ही तैयारी कर ली जाती है और ऐसी चीजों को रोकने की पूरी कोशिश होती है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे या फिर अराजक तत्व किसी तरह की मनमानी ना कर सके। इन सब चीजों को देखते हुए शासन प्रशासन अलर्ट है और पूरी कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक लिया जाए, काले झंडे ना दिखाए जाए। उसके बाद जो कुछ होगा वो तो सामने आएगा ही, लेकिन ये काफी अहम माना जा रहा है। देहरादून के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनता को सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री, 18,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। उत्तराखंड को देवनगरी माना जाता है, देवभूमि कहा जाता है, और ऐसे में प्रधानमंत्री अक्सर ही देवभूमि जाते रहते हैं, लेकिन जब अब राजधानी आ रही है तो इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि चुनावों को देखते हुए ये काफी अहम बताया जा रहा है। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, अभी चुनाव तक हम देख सकेंगे कि कई बड़े नेता, वो चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, सभी उत्तराखंड की भूमि पर भी मौजूद रहेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश आना तो शुरू हो चुका है राजनीतिक दलों का भी, और बड़े बड़े बीजेपी के राजनेताओं का भी, और उत्तराखंड में भी अब प्रधानमंत्री के द्वारा बता रहा है कि अब वो दौर शुरू हो चुका है जहां राजनीति चरम पर है। जनता के बीच जाके अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, विपक्ष पर निशाना साधेंगे, और साथ ही अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए जनता को कितने लाभ पहुंचे, कोरोना में किस तरह से काम किया, क्या क्या नई योजनाएं लाई गई, जनता को किस तरह से उनका लाभ पहुंचाया गया, जनता के बीच किस तरह से योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है, तमाम चीजों की जानकारी देते हुए नजर आएंगे। वो प्रधानमंत्री हो या फिर जो है गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, या कई अन्य बड़े नेता, सभी इस काम को बखूबी करेंगे। आपको बता दें मुख्यमंत्री भी लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, अलग अलग जगहों का दौरा करते हैं, हर जिलों के दौरे पर रहते हैं और जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं, अहम मुद्दे पर बैठकें भी करते हैं और जनता को किसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब जैसे कोरोना का वक्त है, कोरोना काल है, और जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट मिला उसको देखते हुए भी सरकार प्रशासन अलर्ट पर है। सबसे पहले देहरादून में देखा गया कि कोरोना के मामले बढ़ते ही 2 कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, कोरोना से बचाव के सभी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो आज ये भी देखने वाली बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देहरादून आ रहे हैं तो सुरक्षा के, कोरोना से बचाव के जो प्रोटोकॉल है उनके क्या इंतजाम किए गए हैं, जो हजारों की भीड़ लाखों की भीड़ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां पर मौजूद होगी तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, और साथ ही जो कांग्रेस की तरफ से तैयारी है प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाने की, बीजेपी पर निशाना साधने की, तो उसको रोकने के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो कांग्रेस ही दौरे का विरोध करेंगे, पूरी तैयारी हो चुकी है प्रधानमंत्री के दौरे की और इससे संबंधित सभी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच उपस्थित रहेंगे। आज उत्तराखंड में जो भी उपलब्धि हासिल करी है बीजेपी ने उसको लेकर जनता को बताएंगे, अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, और आने वाले समय में जो कुछ भी सौगातें बीजेपी द्वारा दी जाएंगी उसके बारे में भी जानकारी देंगे। लगातार संपर्क में बने हुए हैं प्रधानमंत्री धामी के, मुख्यमंत्री के साथ
हर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती रहती है, वो चाहे कोरोना हो या फिर कई अन्य मुद्दे हो या फिर किसान के मुद्दे हो, कृषि कानून से जुड़े मुद्दे हो, सभी पे लगातार प्रधानमंत्री ने नजर बनाई रही और साथ ही उत्तराखंड के हर एक निर्णय पर नजर बना के रखते हैं। और अब जब जनता के बीच सीधे तौर पर आ रहे हैं तो ये काफी अहम माना जा रहा है। तो करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उत्तराखंड के लिए लगातार सरकार द्वारा काम किए जा रहे हैं। 18,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं राजधानी देहरादून से। शुभम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से संबंधित क्या कुछ जानकारी है? लगातार 2-4 दिनों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जो दौरा है, उन्होंने आज महारैली यहाँ पे आयोजन किया। इसमें कई 8 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय और अन्य राज्यों के जो लोग हैं, उनके अंदर काफी उत्साह भरा पड़ा है। और साथ ही साथ कई गढ़वाल से, पहाड़ से, कुमाऊं से, जौनसार से यहाँ पे लोग लगातार आ रहे हैं। और जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है की आज एक बड़ी रैली का यहाँ पे अनुमान लगाया गया है की यहाँ पे एक बड़ा जन सैलाब उभरेगा। उसे देखते हुए अगर बात करो सुरक्षा की, तो सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर काफी आला अधिकारी इस समय सड़कों में देखे जा सकते हैं। और लगातार ही 2 दिनों से जो है यहाँ पर जो सुरक्षाओं का इंतजाम है बड़ा उत्साह रखा है। साथ ही साथ जब बात करो कोविड नियम, कोविड के यहाँ पे केसेज भी बढ़ते जाए तो उसके प्रोटोकॉल के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर पूरा कार्यक्रम रखा गया। और साथ ही साथ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं, उनका कार्यक्रम का जो शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा की वो 1 बजे जो है परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और 1:15 पे जो है वो वहाँ पर जो कार्य उनका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद 1:30 से 2 बजे तक वो जो वहाँ के जनसैलाब जो लोग पहुंचेंगे उनके लिए अपना जो जनसैलाब को जो वो संबोधित करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक मान्यों में देखा जाए कि चुनाव काफी नजदीक है, उसके बाद उससे पहले ये महारैली करना कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा विषय। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का आना उत्तराखंड के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नई योजनाएं और कुछ ना कुछ नए प्रोग्रामों के साथ आता है। देखना बहुत दिलचस्प होगा किन कार्यक्रम और किन किन नई योजनाओं के साथ फिर मैदान में जो भारतीय जनता पार्टी उतरने जा रही है। जी शुभम, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के लिए कौन कौन मौजूद रहेगा? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी वहाँ पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के लिए वहाँ पर सभी आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ के विधायक है या यहाँ पे जो मंत्री है राज्य के हमारे, वो सब उपस्थित रहेंगे। और साथ ही साथ नरेंद्र जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है, शुरुआती दौर सबसे पहले उन्हीं का जो है स्वागत उनके द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर जितना जन सैलाब उमड़ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो है जाँच चलती जा रही है और सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़ेगी। जी शुभम, जब प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे तो और कौन कौन साथ में संबोधित कर सकता है जनता को? बिल्कुल बता दूं, जब जनता को संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे तो मेरे उनके साथ साथ ही जो यहाँ के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो की युवा चेहरा बन के उभरे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2 बारी के मुख्यमंत्री बदले गए थे, उसके बाद ये तीसरा मुख्यमंत्री है, तो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी ने अपनी अलग ही छाप छोड़ी, क्योंकि यहाँ पर वो लगातार जो है पूरे राज्य में दौरा कर रहे हैं, लगातार बाहर जा रहे हैं, साथ ही साथ नई नई योजनाओं के प्रस्ताव ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी जो है वो भी लोगों को संबोधित करेंगे। और यहाँ के अन्य मंत्री जो यहाँ पे बीजेपी के अन्य मंत्री रहेंगे या कैबिनेट मंत्री रहेंगे, वो भी कहीं ना कहीं जनता को संबोधित करेंगे। जी शुभम, कांग्रेस द्वारा काले झंडे दिखाने की योजना है, प्रधानमंत्री को उनके दौरे का विरोध करते हुए नजर आएंगे, तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दो जिस तरीके से सबसे कांग्रेस द्वारा कहा गया है कि वो काले झंडे दिखा के माननीय प्रधानमंत्री का जो है विरोध करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद शासन प्रशासन अलर्ट में, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो है भारत के प्रधानमंत्री है और जिस तरीके से संबोधन रैली करना चाह रहे हैं, उसके बाद अगर वहां पर कोई ऐसे तत्व आ जाए और ऐसे अगर काले झंडे दिखाए जाए तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की उसमें हार देखी जाएगी, क्योंकि शासन प्रशासन लगातार काफी दिनों से अपनी टीमों के साथ लगाया और इसी को रोकने के लिए शासन प्रशासन ने अलर्ट जारी किया, लगातार लोगों से आग्रह कर रही है कि ऐसा तत्व वहाँ पे कोई ना आए जिससे ऐसा कोई माहौल बिगड़ जाए और पूरे कार्यक्रम को कहीं से खराब करना पड़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शुभम जुड़े थे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से।
तो सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, शासन प्रशासन अलर्ट है। जिस तरह से कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है कि काले झंडे दिखाएंगे, प्रधानमंत्री को विरोध करेंगे उनकी रैली का, उनके आगमन का, तो उसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पूरी कोशिश करी जाएगी कि काले झंडे विपक्षी दल ना दिखा पाए, इस तरह कोई अप्रिय घटना ना हो, विरोध ना जता पाए। चुनावों से पहले रायबरेली में पोस्टर वॉर की शुरुआत हो चुकी है, जहां बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार सदर विधायक अदिति सिंह के आने से पहले ही शहर में लगे अमर्यादित भाषा वाले पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, जिसमें अदिति और देवांशी को चरित्रहीन और कुल कलंकित करने वाला कहा गया है और आगे लिखा गया है कि तुमने अखिलेश सिंह मंगल सिंह सैनी के परिवार को तो तबाह किया ही, साथ ही अखिलेश दास गुप्ता के घर को भी तबाह किया है। तो इस तरह का पोस्टर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली में ये पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, जब से राजनीति शुरू हुई है, चुनावी वक्त शुरू हुआ है, तभी से दल बदल का जो दौर है वो भी शुरू हो गया और जिस तरह से अदिति ने बीजेपी ज्वाइन करी उसके बाद अब पहली बार रायबरेली के दौरे पर अदिति सिंह जा रही हैं और ये पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। अदिति और देवांशी दोनों की तस्वीरें लगाई गई हैं, दोनों के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है, तमाम बातें लिखी हैं, तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया है, बहिष्कार किया जा रहा है दोनों का और कई बातें लिखी गई हैं। आपको बता दें कि अब शब्दों का प्रयोग किया गया है और ऐसे पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि अदिति और देवांशी को चरित्रहीन कुल कलंकित करने वाली कहा गया है और साथ ही लिखा है कि तुमने अखिलेश सिंह मंगल सिंह सैनी के परिवार को कलंकित कर दिया है, तबाह कर दिया है, अखिलेश दास गुप्ता के घर को भी तबाह कर दिया है, इस तरह की बातें लिखी है। तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, दोनों की तस्वीरें भी लगाई गई है, अमर्यादित शब्द लिखे गए हैं। बीजेपी में जब से दाखिल हुई हैं, जब से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है अदिति सिंह ने, उसके बाद ये उनका पहला दौरा है और पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। तो ये किस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है, जहां एक महिला के चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि उसने एक राजनीतिक दल छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल का दामन थाम लिया है। अब जहां कहा जाता है कि एक महिला को एक ऊंचा दर्जा दिया जाता है, ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बहुत ही सम्मान दिया जाता है, वहीं एक राजनीति के चक्कर में इस तरह की अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। एक बार फिर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कैसी राजनीति है जो दूसरे के चरित्र पर ही उंगली उठा दे। राजनीति होनी चाहिए, लेकिन वो मुद्दे होने चाहिए राजनीति के, देश हित के मुद्दे होने चाहिए, ना कि किसी के जीवन पर उंगली उठाने वाले। अदिति सिंह के पोस्टर पर अपशब्द लिखे हैं और सिर्फ एक नहीं, दो महिलाओं के नाम है इसमें। चुनावी माहौल देखते हुए पोस्टर वॉर देखने को मिलते हैं, लेकिन कामों को लेकर उंगलियां उठाई जाती है कि आपने इस विपक्षी दल ने या फिर इस पार्टी ने इस तरह का काम किया है या ये काम नहीं किया है, जिस वजह से निशाने पर लिया जाता है। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद जब पहली बार अदिति सिंह रायबरेली के दौरे पर आ रही है, तो उससे पहले ये पोस्टर देखने को मिल रही है। सदर विधायक अदिति सिंह के आने से पहले ही शहर में अमर्यादित भाषा वाले पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। अदिति सिंह और देवांशी दोनों के लिए ही अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है, चरित्रहीन कुल कलंकित करने वाली इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये बड़ा सवाल भी उठता है कि आखिर ये कैसी राजनीति देश में देखने को मिल रही है। ये पहली बार नहीं है जब किसी महिला के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो या फिर राजनीति में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा हो, उससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। तो कई आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कई चीजें लिखी हुई हैं, ऐसे 8 पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें अमर्यादित शब्दों का या फिर कहें कि अमर्यादित बातें लिखी है दोनों के लिए, दोनों ही महिलाओं के लिए,
और साफ तौर पे लिखा है कि अदिति सैनी देवांशी गुप्ता का सामाजिक बहिष्कार। आखिर सामाजिक बहिष्कार क्यों? क्या किसी की अपनी राय नहीं होती है? क्या कोई किसी पार्टी का दामन नहीं छोड़ सकता है? आखिर ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए? तो पोस्टर वॉर देखने को मिल रही है और ये साफ तौर पे बता रहा है कि राजनीति चरम पर है और राजनीति में कुछ भी किया जा सकता है, किसी को नीचे गिराने के लिए कोई भी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, ये साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। रायबरेली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां राजनीति चरम पर है, पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है और पोस्टर वॉर में काम को लेकर नहीं बल्कि चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है, सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। तो अदिति सिंह पहली बार रायबरेली जा रही है बीजेपी में शामिल होने के बाद, उनके लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है और साथ ही सिर्फ एक महिला नहीं दो महिलाओं के लिए इस तरह से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है। अदिति के साथ देवांशी के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, चरित्रहीन और कुल कलंकित करने वाली बताया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से राजनीति हो रही है। हालांकि कई बार ये मुद्दा उठा है कि आखिर जब सम्मान दिया जाता है महिलाओं को तो इस तरह के शब्दों का कैसे प्रयोग किया जा सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि कभी ना मिटने वाले नाम अखिलेश सिंह का नाम निशान मिटा दिया, कई तमाम बातें लिखी है। लिखा है कि तुमने अखिलेश सिंह मंगल सिंह सैनी के परिवार को तबाह कर दिया, अखिलेश दास गुप्ता के घर को भी तबाह कर दिया। इन बातों को लिखा है, सामाजिक बहिष्कार का बात लिखी है, दो महिलाओं को लेकर इस तरह की अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया गया, ये कई सवाल उठाता है कि आखिर हमारे देश में किस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है, महिलाओं के लिए ये किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। जहां राजनीति में महिला सम्मान की बात सबसे सर्वोपरि रहती है, महिला आरक्षण की बात रहती है, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सीटें देने की बात रहती है और महिलाओं को आगे बढ़ाने की पढ़ाने की बात रहती है, हर विपक्षी दल करता है, कोई एक दल की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो महिला कार्यकर्ताओं पे इस तरह के लांछन लगाए जाते हैं, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब तक आपकी पार्टी में है ये, तब तक वो बड़ी सम्मानित है, लेकिन जहां उन्होंने आपकी पार्टी का दामन छोड़ दिया तो वो जो है इन शब्दों की पात्र बन जाती है। तो कई तमाम बातें हैं जिस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर देश में ये कैसी राजनीति देखने को मिल रही है। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो दोनों महिलाओं के लिए ये बातें लिखी गई हैं, आखिर इसमें किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? देखिए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया अदिति सिंह ने, और उसके बाद ये रायबरेली पहली बार आ रही है, लेकिन जो है उनके आने के पहले ही यहाँ पर एक गंदी राजनीति कही जाए, जो छोटी मानसिकता दिखाई देती है राजनीति में, कहीं ना कहीं जो है वो आज सामने आई है। और पोस्टर के जरिए जो है वो ये कहा गया है कि उनको चरित्रहीन तक बता दिया गया है, जो कहीं ना कहीं राजनीति में अभद्र भाषा का प्रयोग माना जाता है। जी, अदिति और देवांशी दोनों के लिए ये बातें लिखी गई हैं, इसके पीछे की वजह क्या है और किसने लगवाई ये पोस्टर? नहीं, इसके बारे में तो अभी नहीं जानकारी हो पाई किसने लगवाई, क्योंकि 1 बजे अदिति सिंह रायबरेली आ रही है लखनऊ से, इस समय वो लखनऊ में है। लेकिन जो है ये कहीं ना कहीं विरोधियों की साजिश है, और निश्चित है रायबरेली की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है, और ये चूंकि इनके परिवार का एक रायबरेली जिले में बहुत बड़ा रुतबा है, और इनके पिताजी एक जननायक के रूप में भी जाने जाते थे, वो लगातार यहाँ तक विधायक भी रहे हैं 5 बार। जी ओम शंकर जी, हम आपसे अदिति और देवांशी दोनों के बारे में जानना भी चाहेंगे कि इन दोनों की कैसी छवि रही अभी तक राजनीति में? नहीं, निश्चित बहुत है, ये भी अमेरिका की पढ़ी हुई है अदिति सिंह, वहां से आने के बाद इनके फादर अखिलेश सिंह बीमार हुए थे और उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर रायबरेली का चुनाव लड़ा, जो कम से कम 92 से 94 हजार की लीड से विजयी हुई थी। जी, उसके बाद कांग्रेस ने इनकी जो भी मनमुटा हुआ है, उसके बाद ये योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, और अभी अभी इनकी छोटी बहन जो दुप्यासी है अखिलेश दास जी के लड़के से उनका विवाह भी हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गए हुए थे। जी, तो इन सब के बावजूद जब ये बीजेपी में शामिल हो गई हैं तो अब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह की राजनीति और मानसिकता है और इस तरह के पोस्टर क्या दर्शाते हैं?
नहीं निश्चित है, गंदी मानसिकता है। चूंकि आपको जानकारी में बता दूं कि रायबरेली आज पूरा जिला स्वागत के लिए उमड़ा है और पूरा शहर अजीत सिंह और योगी आदित्यनाथ के पोस्टरों से पटा हुआ है। उसके बाद भी ये गंदी राजनीति चली जा रही है। निश्चित रायबरेली की राजनीति में जैसे ही वो यहाँ पर आती है एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाकी दल है वो अदिति के बीजेपी में शामिल होने और रायबरेली आने से कहीं ना कहीं भयभीत है, क्योंकि जो उनकी अच्छी छवि रही है वो कहीं ना कहीं डरा रही है बाकी दलों को। सुबह टेलीफोनिक हमारी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हो चाहे कांग्रेस के, उनसे बात हुई। हर आदमी ने, हर पार्टी के लोगों ने इस पोस्टर की जो है निंदा की है। उन्होंने कहा राजनीति में इस तरह की कोई भी जगह नहीं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित ही जैसे रायबरेली अदिति से जाती है वैसे ही कुछ ना कुछ बड़ा होगा। जी बिल्कुल, अदिति के कार्यक्रम के संबंधित क्या कुछ जानकारी है आपके पास? हाँ, आज के दिन 12 बजे रायबरेली में प्रवेश करेंगी और कम से कम 35 से 40 जगहों पर शहर में ही उनके स्वागत कार्यक्रम रखे गए हैं। पूरा शहर इस समय पोस्टरों से पटा हुआ है। जी, अदिति और देवांशी के नाम के जो ये पोस्टर लगाए गए हैं अमर्यादित भाषा के प्रयोग के साथ, तो इसमें बीजेपी का क्या कहना है? नहीं, अभी बीजेपी जब इंतजार कर रहे हैं कि रायबरेली आ जाए उसके बाद वो खुद ही प्रेस को संबोधित करते हुए आगे की जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो करेंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे। तो सीधे तौर पर विपक्ष भी इसकी निंदा कर रहा है और इस पर जांच भी होनी चाहिए कि आखिर किसके द्वारा ये पोस्टर लगवाए गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है और राजनीति जिस तरह से देखने को मिल रही है, हम ये कह सकते हैं कि राजनीति राजनीति नहीं रही है, क्योंकि राजनीति में जनता के हित की बात होती है और जनता के मुद्दों को लेके अगर कटाक्ष भी किए जाते तो वो जनता के लिए होते हैं, ना कि किसी को नीचे गिराने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।